पिछले वीडियो में मैं मान की लोच मापने की प्रतिशत विधि के बारे में बताया था, आज मान की लोच मापने के लिए ज्यामिति विधि या ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में बताएंगे। तो यह सेकंड मेथड है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को मेजरमेंट करने के लिए। इसको ज्यामिति विधि कहते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड को हम पॉइंट मेथड के भी नाम से जानते हैं। इस विधि का प्रयोग माप वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मान की लोच मापने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मान वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मान की लोच मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए निम्न इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला जो है इसका हम प्रयोग करेंगे। लोअर पार्ट अपर पार्ट, यानी कि जिस बिंदु पर हमको मान की लोच की माप करना है उस बिंदु के नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से भागा दे देना है। हम यहाँ पर एक सीधी रेखा वाले मान वक्र डिमांड कर्व के विभिन्न बिंदुओं पर मान की लोच का आकलन करेंगे। स्टूडेंट्स, MA जो है हमारा मान वक्र है एक सीधी रेखा का। इसके विभिन्न बिंदुओं पर हम मान जैसे कि एक मिडिल पॉइंट लेते हैं S, इधर ये S और M का भी मिडिल पॉइंट या कहीं पर भी लेंगे R, और S और M के बीच में एक मिडिल पॉइंट लेंगे T। ये हम इन पांच बिंदुओं पर मान की लोच का अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर फिर हम किसी कहीं पर भी बिंदु हो हम मान की लोच के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले एक बिंदु एट पॉइंट M, एक बिंदु पर मान की लोच क्या होगी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बिंदु पर मान की लोच के लिए जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, लोअर पार्ट यानी कि नीचे वाला भाग जो है सो उस पॉइंट M का, और उसके बाद अपर वाले पार्ट से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक बिंदु से नीचे वाला भाग कितना है, M N, तो M मैंने यहाँ लिख दिए। ऊपर वाला भाग कितना है, जीरो। तो किसी भी चीज को जीरो से जब हम भाग देंगे तो वो इंफिनिटी आएगा। तो अगर M बिंदु पर मान की लोच के बारे में बात करते हैं तो M बिंदु पर यानी कि y एक्सिस पर जो बिंदु है मान वक्र का, वहां पर मान की लोच जो है अनंत के बराबर होगी, इंफिनिटी के। इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु R के बारे में बात करते हैं। R बिंदु पर मान की लोच निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम फॉर्मूला सब ध्यान में रखेंगे। R बिंदु पर नीचे वाला भाग कितना है, R A, ऊपर वाला भाग कितना है, R A। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नीचे वाला भाग बड़ा है R A, यानी कि चूंकि Rn जो है ग्रेटर देन Rn, यानी Rn बड़ा है ये, यानी ये बड़ा है। तो किसी भी बड़े चीज को छोटे से भाग देते हैं तो एक से बड़ा होगा। तो AD इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1,
तो यहां पर जो है मान की लोच इकाई से अधिक होगी। इसी प्रकार जब हम एस बिंदु की बात करते हैं, तीसरा हम यहां पर एट पॉइंट एस, तो मान की लोच क्या होगी, एड इज इक्वल टू नीचे वाला भाग कितना है एस एन, ऊपर वाला भाग कितना है एस एन। तो हम यहां देख रहे हैं कि एस एन और एस एन दोनों आपस में बराबर है, यानी क्योंकि एस एन इक्वल टू एस एन, यानी ये ऊपर वाला भी दो है नीचे वाला भी दो है, तो ईडी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक के बराबर होगा। दो बाय दो एक होता है, पांच बाय पांच एक होता है, जो भी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मान की लोच एक के बराबर होगी। इसी प्रकार हम तीन बिंदु की बात करते हैं, एट पॉइंट टी, टी बिंदु पर मान की लोच क्या होगी, फिर इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट लिखा है फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो नीचे वाला भाग कितना है Tn, ऊपर वाला भाग कितना है Tm। तो हमें आप देख रहे हैं कि नीचे वाला भाग छोटा है और ऊपर वाला भाग बड़ा है, यानी क्योंकि Tn is less than Tm, यानी कि ये छोटा है, यानी 5/2, ये 2/5, तो ये क्या होगा लेस देन वन, यानी अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल आइटम लेते हैं, ये टी ये वन पार्ट मान लेते हैं, ये थ्री पार्ट है, वन टू थ्री, तो वन बाय थ्री एक से छोटा होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक से कम होगा। अब एक बिंदु पर बात करते हैं, तो एक बिंदु जब हम मान की लोच निकालेंगे एट पॉइंट एन, पांचवा है, तो मान की लोच जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नीचे वाला भाग कितना है जीरो, ऊपर वाला भाग कितना है एम एन, तो मान की लोच क्या होगी जीरो, तो किसी चीज को भाग देते हैं तो जीरो, तो यहां पर मान की लोच हो जाएगा जीरो। इस प्रकार हम देखते हैं मान वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मान की लोच को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि जो बिंदु y अक्ष पर टच कर रहा है वहां मान की लोच इंफिनिटी के बराबर होगी, और जो बिंदु x अक्ष पर x एक्सिस पर टच कर रहा है वहां पर मान की लोच जीरो के बराबर होगी। और एक s बिंदु है जो दोनों ये मान वक्र को बराबर भागों बांट रहा है, यानी बीच का बिंदु है, वहां मान की लोच एक के बराबर होगी। एस बिंदु से ऊपर कोई भी बिंदु यहाँ 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 वहां मान की लोच इकाई से अधिक होगी, और एस बिंदु से एक बिंदु के बीच में कोई भी बिंदु में मान की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार एक सीधी रेखा वाले मान वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मान की लोच की गणना हम लोग करते हैं।